बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस नई भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, चलिए लाइव सुन लीजिए। कितने पदों पर भर्ती आएगी तो चलिए लाइव सुन लीजिए। पूर्व डीजीपी और बिहार पुलिस अवर सेवा चयन परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, पूर्व डीजीपी एवं अध्यक्ष सिपाही चयन आयोग श्री के एस द्विवेदी जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण, पुलिस उप महानिरीक्षकगण, सभी अन्य अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागीगण, और इस परेड में शामिल होने वाले प्रतिभागीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष भी बिहार पुलिस सप्ताह ससमय मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में एक साल और हुआ, लेकिन जब हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ तब से ही ये तय हुआ कि ये इसको रेगुलर तरीके से हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो पुलिस सप्ताह मनाया जाता है, तो जिस तरह से अभी 22 फरवरी से लेकर के आज तक, तो इसमें जितने कार्यक्रम होते हैं और जितने प्रकार की बातों को लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इससे पुलिस बल को बहुत लाभ होता है और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस अवसर पर मुझको भी आने का मौका मिलता रहा, हर बार आते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, और आज जितने लोग पुरस्कृत हुए हैं, पुलिस के लोग और गैर सरकारी लोग, मैं सबको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। अब जो कुछ भी यहाँ पर आयोजन होता है, अब आप जानते ही हैं कि पहले तो इसको बीएमपी कहा जाता था, बिहार मिलिट्री पुलिस। अब पिछले साल ही नियम बनाया गया, कानून में संशोधन हुआ, अब इसका नाम हो गया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। तो इस बार पहली बार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अवसर पर यहाँ पर आने का मौका मिला है। इसके पहले तो हम लोग बार बार बोलते रहते थे बीएमपी 5 का ये जगह है, यहीं पर होता है। अब कानून जो बन गया पिछली बार, तो इसका नाम बदल गया, और अब नाम बदल करके भी कितना बढ़िया नाम हो गया। इसके लिए जो नियम बनाया गया, तो बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था, इसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे थे जब हम लोग नियम ये बना रहे थे। और हमारे पुलिस के सारे अधिकारी और होम डिपार्टमेंट के, इन लोगों ने कहा था कि इसको तेज़ी से सब कुछ, हम लोगों ने कागजात देखा, हमने कहा ये बहुत अच्छा है और इसका नामकरण भी होगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, ये और अच्छा, तो बहुत अच्छा है। अब इस बार पहली बार आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। विशेष शाखा को तो हमेशा देखना है, स्पेशल ब्रांच को, कि कहां क्या घटना पूरे राज्य में हो रही है, कहां पर कौन है, कौन गड़बड़ करता है, कौन इधर उधर करता है, इन सब चीजों को देखना। हम शुरू से कहते रहे कि भाई 50-50, एक तो विशेष शाखा में परमानेंट रहेगा और 50% लोगों को जो दूसरे हमारे उसी सेवा में जो लोग हैं उनको भी भेजिए, ताकि इन सब चीजों का उनको अनुभव। तो इसमें भी बड़ा देर लगा है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप लोग एग्री कर गए, अब विशेष शाखा में भी 50% अपना होगा परमानेंट, और 50% लोग और लोगों को, सबको वहाँ अनुभव देने के लिए भेजा जाएगा। तो अब ये सब जो काम, इसके लिए भाई हम यही कहेंगे कि पूरा तेजी से काम करवाइए। अब आप जानते हैं कि हम लोग पहले ही से कहें पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए। अब आप जानते ही हैं कि आपको मालूम है कि 2006 में ही पुलिस बल की संख्या कितनी कम थी, तो हम लोग आर्मी वाले से स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलिस बनाए, सैप, और उसमें कुछ हजार लोग आ गए, कितना खुशी हुई। और जब बिहार में ये काम किया गया, तो आप लोगों को मालूम है ना, भूलिएगा मत,
आजकल तो सब पुराना काम किया हुआ बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों के हित में था, उसको लोग भुला जाते हैं। ये बिहार पहला था जिसमें हम लोगों ने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस बनवाई, और तब केंद्र सरकार उन लोगों ने कहा इसके बारे में सब जगह बनाइए, जो रिटायर्ड पुलिस ये जो है आर्मी का लोग है उसको ले करके आप वहाँ रखिए, हम लोग यहाँ किए, हम आपको कहेंगे। अब अपना पुलिस बल की संख्या बढ़ा रहे हैं, सब लोगों का हो रही है पोस्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने आप स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस बनाया है उन सब लोगों को अभी हाल में हमने बढ़ा दिया। हम आप लोगों को कहेंगे, दोनों बैठे हुए हैं, अपर मुख्य सचिव भी हैं और आप भी हैं, जरा इसको सब दिन रिटायरमेंट तक उसको अपने पास रखे रहिए। ये बिहार में ही हम लोगों ने किया था, आर्मी के लोगों को यहाँ उनको रखे रहिए। लेकिन उसके अलावे जो बात है कि हमारा जो पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उस समय संख्या निर्धारित किया था 1,42,000, अब लेकिन 1,42,000 के लिए भी सब चीज़ आपका कौन सब बन गया जो उसको लोगों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जिनको जिम्मेवारी। लेकिन आप जान लीजिए कि जितना तेज़ी से होना चाहिए सिलेक्शन अपॉइंटमेंट उतना तेज़ी से नहीं कर रहे, अभी तक 1,00,000 के आसपास, ये हमको बड़ा तकलीफ होता है। जितना पहले से सैंक्शनड है आप समझ लीजिए कि 1,00,000 की जनसंख्या पर 115 पुलिस बल किए थे, और अभी हमने हाल में तो हम तो देखते रहते हैं तो कई राज्यों का हमने देखा, बड़े बड़े राज्यों का, कि 1,00,000 की जनसंख्या पर कहीं 190 तक 195 तक रखे हुए पुलिस बल। हालांकि हम लोगों का यहाँ तो एरिया कम है, 12वें नंबर पर है आबादी देश में, हम बता दिया 3रे नंबर पर है राज्य में, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो हमने 1,00,000 की जनसंख्या पर 115 किया उसको हमने बार बार कहा इसको भी हमको बढ़ाना है। अभी तो आप 115 तक का भी पूरा नहीं किए, हम तो चाहते हैं कि हम 1,00,000 की आबादी पर इसकी संख्या कम से कम 165 170 जो भी हो इसको तय करके कर दीजिए और लोगों का सिलेक्शन कीजिए, भाई तेज़ी से सिलेक्शन करिए। और एक तो हमको खुशी की बात है जो 2013 में हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए, अब कितनी खुशी की बात है, अब कितना ज़्यादा अब महिलाएं पुलिस बल में, अब 25,000 से ज़्यादा है, 1,00,000 के करीब है उसमें 25,000 से ज़्यादा, हालांकि इसका तो 37% महिलाओं के लिए, अब कितना तेज़ी से महिलाओं का हो रहा है इसमें सिलेक्शन। और बिहार में जितना ज़्यादा पुलिस बल में महिलाएं हैं उतना ज़्यादा किसी भी राज्य में, बड़े बड़े राज्यों में भी उतना ज़्यादा पुलिस बल में नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी इतने पर पहुँचे हैं, 25% पर आप पहुँचे हैं जो हम लोगों का 37%, और तेज़ी से सब पुलिस बल की पूरी बहाली कराइए और उसमें महिलाओं को और पढ़ाइए। आज कितना अच्छा लगा, 4 ग्रुप आपका महिलाओं का था तो सब अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमने तो तय न कर दिया है कि हर थाना में हर जगह हर स्तर पर जो पुलिस बल में महिलाएं हैं उन सब लोगों को डिफरेंट पद पर जो है वो सब को उसमें रखेंगे, और यहाँ तक कि थाना के बारे में हमने तय किया कि महिलाओं की पोस्टिंग हर थाने में होगी, और इसके लिए हमने कह दिया था कि उनके रहने का इंतजाम महिलाओं के लिए, शौचालय वगैरह सबका निर्माण, इतना हम कितना दिन से कर रहे हैं भाई, अभी 2 साल का तो चक्कर आपका ही कोरोना वाला था, अब उसमें तो और काम में लगे रहते हैं, लेकिन हम शुरू से करते हैं, अब उसमें बच गया था 19 में थोड़ा, उस समय भी हमने कहा था हमको उम्मीद है सब जगह हो गया है ना, तो चलिए हो गया, सब तरह से महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधा और सबकी पोस्टिंग हर थाने में होना चाहिए। हम जब आते हैं हर बार आपको हम लोग कह देते हैं, इसलिए इस सब चीज़ को पूरे तौर पर, और आप जानते ही हैं कि चाहे थाना हो या ओपी हो हर का अपना बिल्डिंग होना चाहिए, अब किराए पर के बिल्डिंग पर नहीं चले ये हम लोग पहले से तय कर दिए। अब उसमें भी अभी पिछले ही साल हमने एक बार और कह दिया था कि भाई इसको पूरा क्यों नहीं हुआ, अब आप लोग कर रहे हैं, कहीं भी ज़मीन का उसके लिए सारे जगह के DM से और सब लोगों के साथ पूरी बातचीत हुई है, अब कहीं कोई जगह नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि तेज़ी से पूरे के तौर पर
हर प्रकार से आप अच्छी तरह से यहाँ जो लोग हैं उपस्थित हैं सब लोग, हम यही कहेंगे पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के भी बैठे हुए अधिकारी हैं, यहाँ बैठे हुए, हम तो यही कहेंगे भाई कि किसी भी समय में देरी नहीं होना चाहिए, अब तेजी से इस काम को कर दीजिए, कहीं से भी इस काम में कहीं कमी नहीं रहनी है और तेजी से आपको हर थाने को हर ओपी को ये ठीक कर लीजिए, तेजी से पूरे तौर पर इस काम को करिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से स्पष्ट कहा गया कि बिहार में पुलिस कर्मी यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की नई भर्ती होगी और साथ ही मंच पर सीएसबीसी के अध्यक्ष और बीपीएसएससी के अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष अभी वर्तमान में केएस द्विवेदी जी है, तो मंच पर उपस्थित थे। तो स्पष्ट कहा गया कि जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और बीपीएसएससी आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। बीपीएसएससी आयोग द्वारा दरोगा से संबंधित भर्ती की जाती है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष सुनीत कुमार जी है, तो स्पष्ट कहा गया कि जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग में है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और नई भर्ती भी दी जाएगी। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा की नई भर्ती आएगी और जल्द ही आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि पहले के अकॉर्डिंग नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल देखने को मिलेगा। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ था तो कुछ भी इसमें नहीं हुआ था, बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम लिया गया था। और सीएसबीसी के द्वारा अभी 27 फरवरी को ही मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया, तो इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल कुछ भी देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा लिया गया है और इसे पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं दरोगा की भर्ती आ रही है, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।